बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी ख़वातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको रिस्क की ज़्यादती के लिए एक बहुत ही कामयाब और मुजर्रबुल मुजर्रब अमल बताने लगी हूँ, और जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। असल में ये अमल एक दुआ पर मुश्तमिल है, और ये दुआ कौन सी है ये मैं आपको बकायदा पढ़कर बताऊंगी। ये रिस्क की ज़्यादती के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करें। और एक साहब भी इस सिलसिले में अपना एक तजर्बा बताते हैं कि मुझे एक दफ़ा 8 लाख रुपए की अशद ज़रूरत पड़ गई। मुसलसल 4 माह बाकायदगी से मैंने ये दुआ पढ़ी, तो इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह पाक ने गैब से मदद फरमाई। बहुत से अफराद को भी बताया और इनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। ये एक इंतहाई आसान अमल है और इसके 3 फ़ायदे यकीनन हासिल होते हैं। नंबर 1, हज की सआदत हासिल होगी। नंबर 2, गाड़ी सवारी भी मिलती है। नंबर 3, कुशादा मकान भी मिलता है। इंशाल्लाह इस अमल को करने वाला कभी महरूम नहीं रहेगा। यकीन और एतमाद शर्त है। एक नौजवान जो हमारे इलाके में गरीब तरीन समझा जाता था, वो अखरोट की रेड़ी लगाता था। बहुत ही कम अरसा में इसकी मौशी हालत बेहतर होती चली गई। रिस्क की फरामानी के साथ साथ शानदार कुशादा मकान भी बन गया। जब इसे पूछा गया कि इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे मुमकिन हुई, तो इसने बताया कि इस दुआ को मैंने अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, यानी कि चलते फिरते उठते बैठते मैंने इस दुआ को कसरत से पढ़ना अपना मामूल बना लिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी रहमत और बरकत के दरवाज़े खोल दिए, और ये सब बरकतें इसी दुआ की बदौलत हैं। इस दुआ को पढ़ने का तरीका असल में ये है कि जब आप वुज़ू शुरू करें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, फिर हर वुज़ू को धोते वक्त ये दुआ पढ़ते रहें। इस ज़िमन में मैं आपको एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताना चाहती हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब तू वुज़ू शुरू करे तो बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, तेरे मुहाफिज़ फरिश्ते उस वक्त तक तेरी नेकियाँ लिखते रहेंगे जब तक कि तू वुज़ू से फारिग ना हो जाए। फिर आप हर फर्ज नमाज के बाद 3 बार इस दुआ को पढ़ें। वो दुआए मुबारका ये है, अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी वा वसेअली फ़ी दारी वा बारिकली फ़ी रिज़्की। ये दुआ वुज़ू के दरमियान की है और पूरे वुज़ू के लिए भी यही मसनून दुआ है। सुबह शाम 7 बार आप सूरह मायदा की आयत नंबर 114 भी पढ़ें और साथ साथ इसका विर्द सार करते रहें, यह भी बहुत मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह सुबह की नमाज के बाद सूरह यासीन और नमाज मगरिब के बाद सूरह वाकिया पढ़ना ना भूलें। अब मैं आपको थोड़ा सा इस अमल को क्लियर करके बताती हूँ कि आपने करना क्या है। कि आपने जब वुज़ू शुरू करना है तो आपने बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना है और साथ साथ वुज़ू की दुआ पढ़नी शुरू कर देनी है। जब आप वुज़ू की दुआ पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अपने आज़ाद होते जाएं, आप साथ साथ वुज़ू की दुआ पढ़ते जाएं। जब आपका वुज़ू मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी दुआ भी साथ ही आपने मुकम्मल कर लेनी है। इस तरह से आपने हर वुज़ू धोते हुए अपनी वुज़ू की दुआ ये पढ़ लेनी है। और हज़रत हकीम तारिक मज़दूबी साहब फरमाते हैं कि वुज़ू के दौरान कोशिश करें कि कम अज़ कम 10 मरतबा ये दुआ पढ़ लें। और आपने साथ रिस्क की ज़्यादती के लिए यह करना है कि आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लेना है, और इसके साथ आपने सुबह शाम सूरह मायदा की आयत नंबर 114 भी पढ़ लेनी है। और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, और अंदर ही आपने 11 बार ही सूरह मायदा की आयत नंबर 114 पढ़ के आसमान की तरफ
फूंक मारनी है, उससे ये होगा कि आपको जिस्मानी और रूहानी दोनों दस्तरखान अल्लाह पाक मैसर फरमाएंगे और आप बग़ैर कैश के जो है वो ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। जो भी आपका दिली ख्वाहिश होगी, जो आपको चीज़ चाहिए होगी, जो आपका मकसद होगा, वो चीज़ आपको अगले दिन ही बैठे बिठाए मिल जाएगी। और ये मेरा अपना मुशाहिदा भी है, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं सूरह मायदा की आयत नंबर 114 सुबह शाम पढ़ती हूँ, और वैसे भी ये मेरा मामूल है, मैं सुबह शाम पढ़ती हूँ और मुझे अगले ही दिन वो चीज़ खुद ब खुद ही मिल जाती है। गैब से ऐसा वसीला बनेगा कि आपका कुछ लगेगा भी नहीं और आपको अल्लाह पाक बैठे बिठाई दे देंगे। आप खुद करके देख लें, आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। और साथ आपने रिस्क की ज़्यादती के लिए दो सूरतें पढ़नी है, वो क्या हैं कि सुबह की नमाज़ के बाद आपने सूरह यासीन पढ़नी है और मगरिब की नमाज़ के बाद आपने सूरह वाकिया पढ़नी है। सूरह यासीन जब आप सुबह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला का वादा है कि दिन भर की उस शख्स की मैं हाजतें खुद ही बैठे बिठाए पूरे कर दूंगा। और सूरह वाकिया जो रात को पढ़ता है अल्लाह ताला उसको कभी भी फाका नहीं दिखाता। और इसके बारे में तो बहुत सी अहादीस भी हैं कि अपनी बेटियों और अपनी बच्चियों और घर की जितनी भी खवातीन हैं और मर्द हैं वो सब ज़रूर रात को सूरह वाकिया पढ़ के सोया करें। इससे आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। आप खुद करके देख लें, आजमा के देख लें, आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे अमल की समझ आ गई है जो मैं बताना चाहती हूँ। तो इस अमल के करने से इंशाल्लाह ताला जहाँ आपके रिस्क में इजाफा होगा वहाँ आपको तीन चीज़ें भी मिलेंगी, तीन फ़ायदे। वो क्या हैं? हज की सआदत भी हासिल होगी, आपको गाड़ी और सवारी भी मिल जाएगी और आपको कुशादा मकान भी मिल जाएगा। और आजकल के दौर में यही तीन जो हैं, तीन चार बुनियादी ज़रूरतें हैं इंसान की, जो हर इंसान चाहता है कि उसके पास हो। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।